हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम कीवी से तीन चीज़ें बनाने जा रहे हैं एंड तीनों बहुत ही डिलीशियस है। तो सबसे पहले हम लोग चॉकलेट कीवी बनाएंगे और आप आखिर तक देखिए ये वीडियो। इसके लिए हमने डार्क चॉकलेट लिया है, उसको चॉप किया है। ये व्हाइट चॉकलेट शेव लिया है डेकोरेशन के लिए। ये कैंडी वर्मिसेली ली है। एक कीवी लिया हमने, 4 कैंडी स्टिक्स लिए हैं और ये व्हाइट चॉको चिप्स है और ये सिल्वर बॉल्स है गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डार्क चॉको चिप्स को, डार्क चॉकलेट को डबल बॉइल करेंगे। ये देखिए, ये पूरा मेल्ट हो चुका है चॉकलेट। तो अब हम कीवी लेंगे एक और उसको एकदम अच्छे से काट लेंगे। उसके 4 पीसेस काटेंगे, ऊपर का छिलका निकालेंगे पहले और उसको 4 बड़े पीसेस में काट लेंगे, क्योंकि ये पीस थोड़े मोटे होने चाहिए ताकि हम कैंडी स्टिक उसमें अच्छे से डाल सके। नाउ वी विल कट इट इनटू 4 स्लाइसेस और इसमें हम लोग एक एक पीस में एक एक कैंडी स्टिक डाल देंगे। ये हमने एक बटर पेपर लिया है। अब देखो, हम इसको पूरा अच्छे से डिप कर रहे हैं चॉकलेट में, पूरा कोट हो जाना चाहिए चॉकलेट से। और इसके ऊपर हमने कैंडी वर्मिसेली से डेकोरेट किया है इसको। इसी तरह से हम लोग सारे ये कीवी स्टिक्स हम लोग ऐड कर लेंगे और उसमें चॉकलेट पूरा कवर करके, कोट करके और गार्निश कर लेंगे हम इसको। यू नो, चिल्ड्रन कैन ऑल्सो मेक दिस, इट्स वेरी सिंपल रेसिपी एंड दे विल लव इट। बट ये थोड़ी खट्टी होती है कीवी, सो आई जस्ट डोंट लाइक। बट अगर आप खट्टा पसंद करते हो तो यू कैन एंजॉय विद दिस। So we have done. See how nicely. अब हम इसको फ्रीज करेंगे 15 minutes के लिए। So after 15 minutes it's ready to eat now. आप अपने बच्चों को खिला सकते हो। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दिख रही है। So I hope you will like this recipe and now be continue with me to see next recipe. तीनों रेसिपी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है। Look at this. I hope you like this recipe and just don't forget to subscribe. अब हम कीवी पंच बनाएंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस रेसिपी एंड वेरी सिंपल रेसिपी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून जितना हम लोग लेमन रस यूज करेंगे, 1 कीवी स्लाइस्ड और 1/2 कप पुदीना, एंड शुगर लिए हमने 2 टेबल स्पून और सम क्यूब्स, आइस क्यूब्स। तो हम लोग अभी सबसे पहले कीवी, पुदीना, शुगर और सॉल्ट इसको हम ग्राइंड करेंगे एकदम अच्छे से। सो लेट्स ग्राइंड इट। देखिए, हमने सब इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। पुदीना थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी आप रख सकते हो एंड वी आर गोइंग टू जस्ट ग्राइंड इट। ये देखिए, हमने एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। नाउ ये 2 ग्लास जितना हमने बनाया है इसलिए हम दोनों ग्लास में 2 स्पून जितना इसमें डालेंगे। ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया, आइस क्यूब्स डालेंगे एंड लेमन रस डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे और कुछ पुदीने की पत्तियां। नाउ सोडा ऐड करेंगे and we'll have to stir it very nicely ताकि ये बहुत अच्छे से mix हो जाए। You can use water also instead, but सोडे के साथ थोड़ा अलग ही अच्छा मजा आएगा इसको पीने में। Very nicely you can stir it and पूरा अच्छे से ये घुल जाएगा इसमें। ये देखिए, हमारा कीवी पंच एकदम तैयार हो चुका है एंड दिस इज रियली वेरी नाइस। आई जस्ट लाइक दिस रेसिपी एंड इफ यू ऑल्सो लाइक, जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड जस्ट चिल्ड्रन को भी आप बोलोगे तो वो भी एकदम अच्छे से बना देंगे इतनी सिंपल रेसिपी। Here a third recipe, kiwi lassi, and this is my favorite. I just love this recipe. So, उसके लिए जो हमको ingredients चाहिए वो बहुत ही simple है।
देखिए हमने कीवी चॉप की है, ये गार्निशिंग के लिए कीवी चॉप की है, ये केसर सिरप है सैफ्रन, और ये हमने दही लिया है एक कप जितना, ये शुगर 2 टेबल स्पून, ये पिस्टैचू हमने चॉप किए गार्निशिंग के लिए, और ये इलायची, एक इलायची का पाउडर मैंने यूज़ किया है। सो आप चाहो तो 2 इलायची भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो सबसे पहले हम दही और शुगर को मिक्स करके और इलायची को मिक्स करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पहले हम इन तीनों को मिक्स करेंगे, ये देखा हमने ग्राइंड कर लिया है। नाउ मिक्सर जार लेंगे फिर से, अब इसमें हम लोग कीवी डालेंगे और उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है। नाउ विल मिक्स दैट लस्सी वाला जो दही वाला हमारा मिक्सचर था वो इसमें हम ऐड कर लेंगे। सो विल ग्राइंड इट अगेन। देखिए हो गया है, हमारी लस्सी तैयार हो चुकी है। अब हमने ग्लास ले लिया है और इसमें हमने चॉप्ड कीवी डाल दी है एकदम बारीक वाली, और ये पिस्टैचू डाल दिए हैं, केसर सिर्फ थोड़ा डाला है मैंने एक बार, एंड देन वी विल पुट लस्सी इन दिस। अगेन इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगेन देन पुट सम लस्सी, सम मोर लस्सी। यस नाउ विल ऐड दिस केसर सिरप, कीवी कीवी चॉप्ड कीवी, और पिस्टैचू ऊपर से डाल देंगे हम लोग, और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर और केसर सिरप डाल सकते हो। एंड रियली दिस इज माई फेवरेट रेसिपी, बिकॉज मुझे बहुत पसंद आई थी, एंड आई होप यू विल ऑल्सो लाइक दिस, एंड जस्ट मेक इट एंड ट्राई इट, डेफिनेटली यू विल लव दिस रेसिपी। आई होप यू लाइक ऑल माई रेसिपीज, एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब, यू लाइक इट।